वेलकम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं आज का हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेंथ क्लास में बोर्ड के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो आइए समझते हैं इस छोटे से कॉन्सेप्ट को। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट यानी कि वो हीट जनरेट कहीं ना कहीं करता होगा। जैसे कि आप लोग देखते भी, अगर आप मोबाइल काफ़ी देर यूज़ करते हैं तो मोबाइल गर्म हो जाता है ना, टीवी चलाते हैं काफ़ी देर टीवी गर्म हो जाता है, इवन आप जो कपड़े प्रेस करते हैं तो वो करंट भेजते हो आप इलेक्ट्रिक आयरन में तो गर्म होती है, तो कहीं ना कहीं करंट को चेंज कर देती है आपके हीट में। आज हम वो सारी बात पढ़ेंगे कि हीटिंग इफेक्ट होता क्या है। बेसिकली अगर आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा तो जो फ्रिक्शन होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है। सर्दियों में हम लोग ये करा भी करते हैं। ओके, अब सिमिलर मैनर में आप लोग देखें कि हीट जनरेट और कब होती है, जब कोई व्यक्ति हथौड़े से किसी कील को ठोक रहा है तो वो कील गर्म हो जाती है, यानी कहीं ना कहीं टक्कर, जो वो भी फ्रिक्शन ही है अगर देखा जाए। जैसे अगर मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, ये तो ये टक्कर हो रही है और आप महसूस करेंगे कि यहाँ पर हीट जनरेट हो रही है, गर्म हो रहा है मेरा हाथ। ये तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो हीट जनरेट होती है करंट में, उसका जो मेन रीजन है वो है टक्कर। अब टक्कर किसकी, उस बात को समझते हैं। देखिए करंट, करंट क्या है, जब कोई चार्ज चलता है तो करंट होता है। चार्ज क्या होता है, बेसिकली जो चलता है कंडक्टर में, ये मान लो कंडक्टर है, मेटल वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो हुआ करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन ये मूव करते हैं। जब हम बैटरी लगाते हैं, पॉजिटिव बैटरी लगाते हैं, सपोज कर लीजिए ये साइड पॉजिटिव है सेल का, अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन इधर को आएंगे ऐसे। लेकिन सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ करते हैं किसी भी मेटल की बॉडी में, उसमें आयंस भी होते हैं। सपोज कर लीजिए सोडियम है, सोडियम 11th नंबर पर आ रहा है, इसका मतलब 281, जब अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो उसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये क्या बनता है, एक तो बनता है आयन, एक बनता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो पॉजिटिव आयन बना, इसमें ध्यान से देखें तो 11 तो प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है, तो 11, 12, 23 और 10 इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का मास कुछ होते नहीं, इसका मतलब ये जो चीज़ है जो आयन बना है ये काफ़ी हैवी होता है। हैवी मतलब कोई सांड जैसा है, ये भाग ही नहीं पाता बेचारा, ये हल्के से है, फुर्तीले है, ये भागेंगे, ये सांड है, रुका रहेगा, इसको कोई वो मतलब नहीं है। ओके, अब क्या होता है अगर इसको और आपको एलाबोरेट करके बताता हूँ तो ये कुछ कुछ इस टाइप से होता है। जो ये हैवी सांड है, यानी कि मैं कह सकता हूँ जो ये हैवी स्टेशनरी आयन है, जो कि स्टेशनरी क्यों है, रुके क्यों है, क्योंकि वो हैवी है, हैवी स्टेशनरी आयन हुआ करते हैं इस तरीके से। ये इनके साथ ही जो हुआ करता है, साथ में इनके फ्री इलेक्ट्रॉन सबके साथ एक एक है, क्योंकि सोडियम की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको देख पा रहे हैं आप इसको ग्रीन डॉट को, ये सबके साथ इलेक्ट्रॉन है एक एक। जैसे ही मैं बैटरी पोटेंशियल देता हूँ इसको, मान लीजिए इधर मैंने पॉजिटिव इधर नेगेटिव लगाया, तो ये जो पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन भागेंगे, ये पॉजिटिव आयन कहीं जाएंगे क्योंकि ये हैवी है, स्टेशनरी आयन है, इसे याद रखेंगे हैवी स्टेशनरी आयन। जैसे ही मैंने पॉजिटिव दिया बैटरी को, पोटेंशियल दिया, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ भागेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब आप ध्यान से देखो इस वाले इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, जब ये जाएगा तो टक्कर मारेगा इसको, चलो टक्कर मार के इधर निकला, ऐसे निकला, इधर कहीं ना कहीं टक्कर मार मार के जा रहा है, ये किसी दूसरे को देखेंगे वो भी टक्कर मार मार के जाएगा। अब ये जो टक्कर मार मार के जा रहा है, टक्कर से वही बात हीट जनरेट होती है, यही रीजन होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। जब करंट चला करता है, करंट मतलब चलने का मतलब जब चार्ज चला करता है, जब भी आपका चार्ज चलेगा वो हैवी स्टेशनरी आयन से टकरा टकरा के जाया करता है, और इस टक्कर की वजह से हीट जनरेट होती है करंट कैरिंग वायर के आसपास। तो ये हमारा हीटिंग इफेक्ट है। अभी डिपेंड किस पे करता है, आप ध्यान से देखें, ये जो चीज़ है पॉजिटिव आयन, ये एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। हम लोग जो रेजिस्टेंस पढ़ा करते हैं, रेजिस्टेंस यही होता है। अब जितने ज़्यादा ये पॉजिटिव आयन होंगे, यानी जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतने ज़्यादा पॉजिटिव आयन, और जितने ज़्यादा आयन है उतनी ज़्यादा टक्कर। अगर 2-3 आयन है तो 2-3 टक्कर लगेंगी, ठीक है जी। 10 आयन है तो 10 टक्कर लगेगी, इसका मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी, पहली बात। दूसरी बात, अच्छा करंट अगर मैं कहता हूँ 2 एम्पीयर, इसका मतलब एक सेकंड में 2 चार्ज चला, एक सेकंड में 2 चार्ज चले, 2 करंट है। अगर मैं कहता हूँ 2 चार्ज चले तो सबने उन्होंने टक्कर मारी 2 चार्ज में। अगर मैं कहता हूँ करंट 10 एम्पीयर, इसका मतलब
एक सेकंड में 10 कूलाम चार्ज चला, 10 चले तो 10 जने टक्कर मारेंगे, तो हीट ज़्यादा जनरेट कब होगी भैया, जितना ज़्यादा करंट होगा, करंट ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा जनरेट होगी। ओके, तीसरी बात टाइम। अब देखिए 10 करंट भेजा हमने 2 सेकंड के लिए, वही 10 करंट भेजा हमने 25 सेकंड के लिए, हाथ जल जाएंगे भैया। तो जितना ज़्यादा टाइम है उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी। तो हीट आपकी जो बेसिकली डिपेंड करा करती है, वो आपकी डिपेंड करती है करंट पर, रेजिस्टेंस पर और आपके टाइम पर, जितनी देर तक उसमें करंट फ्लो करेगा। इसको जूल हीटिंग इक्वेशन भी कहा करते हैं। ध्यान देखेंगे जो हीट एक्सपेरिमेंट भी देखा गया वो आई स्क्वायर, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करती है, रेजिस्टेंस पर डिपेंड करा करती है और उस टाइम पर जितनी देर तक करंट उसमें फ्लो किया। अगर आप तीनों को कंबाइन करते हैं तो इसका मतलब हीट जो होती है जनरेट कर डिपेंड करा करती है सॉरी आई स्क्वायर आर टी पर। फिर यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया करता है कि उसकी वैल्यू बना जाती है, तो ये हीट का फॉर्मूला बनता है आई स्क्वायर आर टी। इस इक्वेशन को बोला करते हैं जूल हीटिंग इक्वेशन और इस इफेक्ट को बोला करते हैं जूल हीटिंग इफेक्ट। बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो मैं हीट को और ऐसे समझा सकता हूँ। देखिए हीट जो होती है एक तरीके से हम उसे पढ़ा करते हैं इक्विवेलेंट टू वर्क डन। आपने फॉर्मूला पढ़ा है v इज इक्वल टू w अपॉन q, इट मींस w इज इक्वल टू क्या आ गया भैया, यहाँ से वी क्यू, मीन्स हीट का फॉर्मूला बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। अच्छा, आपने फॉर्मूला पढ़ा है i इज इक्वल टू q बाई t, तो यहाँ से q इज इक्वल टू क्या आ गया भैया आई टी। तो क्योंकि जगह अगर मैं आई टी पुट करा करता हूँ तो V इंटू आई टी, ये भी हीट का फॉर्मूला बन गया। इसके बाद आपने पढ़ा था ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, मैं इस आई आर को पुट करता हूँ V की जगह तो क्या होएगा आई आर इंटू आई टी, तो आई 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 स्क्वायर आर टी, तो जूल हीटिंग इक्वेशन ही बन गई आप ध्यान से देखें तो। अच्छा, यहीं से आप देखें तो I बराबर क्या आता है, I बराबर आया करता है V स्क्वायर अपॉन R। I की जगह अगर मैं वी स्क्वायर वी सॉरी आई आई क्या था वी अपॉन आर, आई की जगह रखता हूँ वी अपॉन आर, तो क्या बन जाएगा ये वी अपॉन आर स्क्वायर आर टी, मीन्स वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, आर ने आर उड़ा दिया, बना आपका वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो हीट का फॉर्मूला ये कोई सा यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन जो जूल हीटिंग इक्वेशन है वो आपकी यही है आई स्क्वायर आर टी। हीट की जगह आप इसमें से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और हीट की यूनिट क्या होगी, वही जो वर्क यूनिट होती है वही जो एनर्जी की यूनिट होती है, इसका मतलब जूल इसकी यूनिट होगी हीट की। ओके, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी है तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। थैंक यू।